तो शिवलिंग बनाने के ढेर सारे तरीके हैं। बहुत प्रचलित तरीका है कि हम सांप की बांगी की मिट्टी, वाल्मीकि की मिट्टी ला करके छान करके उससे शिवलिंग बनाए। पर कुछ लोग सोने का शिवलिंग भी बनाते हैं। इससे सभी प्रकार के महामुक्ति मिलती है। चांदी के शिवलिंग से धन ईश्वरीय और तेजस्विता मिलती है। भस्म में यानी मिट्टी में भस्म मिला करके और जो शिवलिंग बनाया जाता है वो सब प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए बड़ा अच्छा रहता है। शुद्ध मिट्टी के जो जो शिवलिंग है वो सभी मनोवांछित लक्ष्यों में सिद्धि देते हैं। कांसे और पीतल के शिवलिंग मोक्षकारी माने जा रहे हैं। गुणोत्थलिंग यानी गुड़ से बने हुए जो शिवलिंग हैं ये आपस में स्नेह को बढ़ाने वाले होते हैं। नदी तालाब की मिट्टी से भी लोग शिवलिंग बनाते हैं, ये शत्रुनाशक होते हैं। दुग्धोद्भव शिवलिंग होता है जो दूध से बनते हैं, ये लक्ष्मी और सुख को देने वाले होते हैं। गुड़ की पिंडी बना करके और अभिषेक करने वालों को राजयोग मिलता है। ताजा मक्खन और उससे शिवलिंग बना करके पूजा करने वालों को यश और समृद्धि कीर्ति मिलती है। और गोबर के शिवलिंग बना करके नित्य पूजा करने से उन्हें धन धान्य में वृद्धि मिलती है। स्फटिक के भी शिवलिंग होते हैं, इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तांबे के शिवलिंग बनाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर गोबर का शिवलिंग बनाए और नीम की पत्तियां चढ़ाए तो इसे सभी प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। चंदन कस्तूरी और कुमकुम इत्यादि से शिवलिंग बनाकर पूजा करने से शिव का सानिध्य सायुज्यता प्राप्त होती है। गेहूं चावल के आटे से शिवलिंग बनाने से स्त्री पुत्र और शिशु की प्राप्ति होती है। तो पहला तो जवाब यही है कि शिवलिंग कैसे बनाए, तो इतने तरीके हो सकते हैं। अलग अलग कामनाओं से इस तरह के शिवलिंग बनाए जाते हैं। यदि सामान्य दिन हो तो आप शिववास देख करके भगवान शिव का पूजन करें। शिववास अच्छे से पंचांगों में लिखा होता है, उस शिववास के मध्य ही भगवान की पूजा श्रेष्ठ होती है। पर श्रावण के महीने में ये छूट है कि बिना शिववास के भी आप पूजा कर सकते हैं। पर सावन के महीने में श्रीवास देखें तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। श्रीवास और अग्निवास के साथ पूजन, शिव पूजन और हवन करें तो ये अक्षय कल्याणकारी होता है। और तो सबसे पहले तो स्नान करें भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, संध्या दान कर दें और फिर उसके बाद संध्या यानी जप करके और फिर नित्य जप जप करके और फिर जिस जगह भगवान की पूजा करनी हो साफ करके चौक फूर करके गोबर से चौक फूर लें और सुंदर आटे का चौक बना करके वहाँ भगवान गौरी गणेश कलश नवग्रह कलश मातृका के साथ भगवान शिव का स्थापन करें। अब भगवान शिव के जो प्रिय द्रव्य हैं वे पूजन के बाद भगवान में चढ़ाए। तो भगवान के प्रिय द्रव्यों में सबसे पहला द्रव्य है जल, पंचामृत, दूध दही शहद घी शक्कर। इसके अलावा बेल के पत्र धतूरा यानी विजया, आग के पत्र शमी के पत्र बेर बीही, जो हमारे रूटीन के ऋतुफल हैं उनको अर्पित करना चाहिए। और 16 उपचार से भगवान गौरी गणेश कृष्ण ग्रह कोडश मातृका की पूजा करके और शिव की सायुज्यता के लिए संकल्प सहित भगवान शिव का पूजन करें। मलापकर्ष पूजन द्वारा फिर अभिषेक करें। अभिषेक करके 3 चम्मच पंचामृत आशीष में लेवे, फिर विधिवत हवन करें। हवन करके पुष्पांजलि आरती करके व्रत के नियमों का पालन करें।